Consider the ring R is equal to the set of all 2 by 2 order matrices whose entries are A, B, P, S such that AB belongs to Z. Let phi from R to Z be defined by phi of the matrix whose entries are A, B, B, A. This matrix is 2 by 2 order, okay, which belongs to R, is equal to A minus B, so that phi is a ring homomorphism of R onto Z, determine kernel of phi. यहाँ पर हम रिंग R के कोई दो एलिमेंट, कोई दो मैट्रिक्स A और B लेंगे और यह शो करेंगे कि phi of A plus B is equal to हमें क्या प्राप्त होता है, phi of A plus phi of B, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम यह भी शो करेंगे कि phi of A into B is equal to phi of A into phi of B हमें प्राप्त होता है, ठीक है, इस तरह से हम शो कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे therefore phi is a ring homomorphism of R onto Z, okay students। इसके बाद हम फाइंड करेंगे क्या इस होमोमॉर्फिज्म का कर्नल, ठीक है। तो यहाँ कर्नल ऑफ फाई कैसे निकलेगा हमें, तो हमें R के उन सभी एलिमेंट्स का सेट लेना होगा जो किससे मैप करता है, Z के आइडेंटिटी एलिमेंट यानी जीरो से मैप करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल 2x2 ऑर्डर मैट्रिसेस उस एंट्रीज आर ए बी बी ए, ठीक है, विच बिलोंग्स टू रिंग R, ठीक है, सच डैट ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन में इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी, ठीक है ना, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। इस तरह से हमें कर्नल ऑफ फाई में वे सभी मैट्रिक्स आएंगे, ठीक है, जिनमें कि ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन है, चेक वेदर ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल 2x2 ऑर्डर मैट्रिसेस हुज एंट्रीज आर ए बी ए बी सच डेट ए बी बिलोंग्स टू आर इज अ सबरिंग ऑफ एम टू आर और नॉट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिखाएंगे कि ए जो है एम टू आर का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। उसके बाद हम दिखाएंगे कि ए के कोई भी दो एलिमेंट हम लेते हैं, जैसे बी और सी लेते हैं, तो उसका डिफरेंस यानी बी माइनस सी भी ए से ही बिलोंग करता है और साथ ही उन दोनों का प्रोडक्ट भी ए से बिलोंग करता है यानी बी सी भी ए से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस जीरो मैट्रिक्स बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर ए बी एन एन एम्प्टी सबसेट ऑफ एम टू आर, ठीक है, रिंग ऑफ मैट्रिसेस ऑफ 2x2 ऑर्डर ऑफ रियल नंबर। उसके बाद सिंस फॉर ऑल या सिंस फॉर एनी टू मैट्रिक्स, ठीक है, बिलोंग्स टू ए, मान लेते हैं यह क्या है बी और यह सी है, तो बी माइनस सी इज इक्वल टू जो भी हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वह ए से बिलोंग करता है, इसी तरह से बी इंटू सी इज इक्वल टू जो भी हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वह भी ए से बिलोंग करता है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ए जो है एम टू आर का एक सबरिंग है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन में, ये सभी क्वेश्चन जून 2008 में एग्जाम में पूछे गए हैं। सो डैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ परम्यूटेशन सिग्मा बिलोंग्स टू एस फोर सेटिस्फाइंग 1 2 3 4, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों साइकिल का स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है, हमें यहाँ पर बताना है क्या कि ऐसा कोई परम्यूटेशन एग्जिस्ट नहीं करता है जिससे कि हमें यह सेटिस्फाई होता हो, ठीक है, कैसे। तो यहाँ पर सबसे पहले दिए हुए रिलेशन को लिख लेंगे, यह क्या इम्प्लाइज करता है, तो 1 2 3 4 इज इक्वल टू सिग्मा 1 2 3 4 सिग्मा इनवर्स, ठीक है। देयरफॉर उस स्थिति में क्या होगा कि ये दोनों कंजुगेट्स होंगे, लेकिन ये दोनों कंजुगेट्स नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर जो है सेम नहीं है। कंजुगेट्स होने के लिए दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए, बट देन दे मस्ट हैव द सेम साइकिल स्ट्रक्चर विच इज़ नॉट ट्रू। यहाँ पर ये सेम साइकिल स्ट्रक्चर नहीं है, हैंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ परम्यूटेशन सिग्मा बिलोंग्स टू एस, ठीक है। इसके बाद एक्सप्लेन वाई दिस कलेक्शन इज अ सेट, तो सिंस द गिवन कलेक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट सच एज 2 इज एन इवन प्राइम नंबर, इग्नू इज एन ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया, सी क्लोज इंटरवल 0 to 1 इज द क्लास ऑफ ऑल कंटिन्यूस रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल 0 to 1 and all these objects are written inside a pair of curly brackets, therefore the given collection is a set which is in the roster form, hence the statement is true।
ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन दिसंबर 2008 में पूछा गया था। लेट ए एंड बी बी एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी, एज्यूम डेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 5 एंड ए क्यूब बी इज इक्वल टू बी ए क्यूब, सो डेट ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो लिखेंगे गिवन ए क्यूब बी इज इक्वल टू बी ए क्यूब, हम दाएं तरफ किसे मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर से, ऑन मल्टीप्लाइंग लेफ्ट साइड, सॉरी बाएं तरफ ऑन मल्टीप्लाइंग लेफ्ट साइड बाई ए स्क्वायर, बाएं तरफ ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी ए क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर इट इम्प्लाइज डेट ए टू डी पावर 5 हो जाएगा, बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी ए क्यूब। अब चूंकि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 5 है, यानी कि ए टू डी पावर 5 का वैल्यू क्या मिलेगा, 1, इसलिए ए टू डी पावर 5 इज इक्वल टू 1 इंटू बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी ए क्यूब। फिर से हम क्या करते हैं, अब दाएं तरफ ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 1 इंटू बी इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू बी 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 ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी, यहाँ ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए टू डी पावर 5, तो बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी, ए टू डी पावर 5 तो 1 हो जाएगा, तो 1 ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर बी होगा। फिर अब क्या करते हैं, हम राइट साइड में ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, दाएं तरफ दोनों तरफ इसमें, ठीक है, दाएं तरफ मल्टीप्लाई करते हैं ए से, तो क्या हो जाता है बी ए स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी इंटू ए, तो यहाँ बी ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी ए, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कि ए क्यूब बी इज इक्वल टू बी ए क्यूब, ठीक है, तो हम यहाँ पर बी ए क्यूब की जगह ए क्यूब भी लिख देंगे इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी ए। अब यहाँ पर इस ए क्यूब को हम ए स्क्वायर इंटू ए के रूप में तोड़ देते हैं इंटू बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी ए। अब बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो हमें ए बी इज इक्वल टू बी ए मिलेगा, यही हमें प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।